भाई क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी पहुंचे हैं ध्रुव चावला भाई के घर और आज हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी फीस स्लिप लेने। पाजी और रॉन्ग ले आते सीधा आगे आ जाते हमारे। दिल्ली की सड़कों पे ऐसे निकलो एक व्लॉग तो अपना भी बन जाएगा विदाउट मतलब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस कैमरा ऑन रखो कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख ही जाएगा। हमारा यूनिवर्सिटी भी तो इंटरनेशनल है, इतने जाम में इतना पेट्रोल हम फूक रहे हैं सिर्फ एक मेल के पीछे, जो दो महीने से एक मेल डाली हुई है उसका रिप्लाई नहीं आया, जिसे वो रिप्लाई लेने जा रहे हैं अपने जो हमने पैसे दिए उसकी रिसिप्ट लेने के लिए। फिर कहते हैं इंजीनियरिंग में उसको भेजते भेजते हम भी कबूतर बनते हैं। क्या मच्छर? मच्छर इधर से उधर भिन्नाते रहते हैं और सबको परेशान करते हैं, तो फोन बाद में देख ले। कल हेडलाइन में आ रहा हूँ, तेरी न्यूज लोग फोन में देख रही होंगी। दिल्ली के नौजवान लड़कों को सड़क पे खूनी बनाने के छोटी उम्र में दे के लाइसेंस, माँ बाप भेज देते लोगों को कत्ल करने। एम्बुलेंस आ गई, अब देख अगर ये एम्बुलेंस अपने रूट पे है कोई जगह देने नहीं वाला, जिस हिसाब से जाम लगा हुआ है उससे बीच में खुला दिखा दो सब लगा देंगे। हाँ उसको दे देंगे जगह, 10,000 से बेटर तो जगह देना। ये सड़क बिल्कुल टाइट में, अब ये लेफ्ट है ना, द्वारका मोड़ है ना, द्वारका मोड़ आ गया ना, मोड़ आ गया। अब यहाँ से लेना लेफ्ट। उतरू मैं भाई, हम पहुंच गए कैंपस। अब जब तक मैं एंट्री करता हूँ ना, आप देखो मेरा व्लॉग, जब भी मैं गया था दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट पे 9 अप्रैल को, आप उसकी फुटेज देखो, जब तक अंदर आके एंट्री करते हैं फिर ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अरे दिलजीत के वो चला कॉन्सर्ट्स, हाँ वो लगा, थोड़ा वार्म अप करें। वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, लोकी मेरे हंसे सुन दे वे तू सुनदा दिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया। एडमिशन वाला व्लॉग देखा उनको ये वाला पता होगा, मेन कैंपस आए हैं एडमिशन स्लिप लेने, और यार ये कैंपस बड़ा सुंदर है ना, बैनर बढ़िया लग रहे हैं, पहले नहीं थे ना ये रहा फाइनेंस एंड अकाउंट्स लेफ्ट। सो थोड़ा तो हमारा लॉल हो गया क्योंकि अब हो गया लंच टाइम, 1 से 2 लंच टाइम, अब पूरा 1 घंटा केयर करना हमें एग्जैक्ट, देखते हैं कुछ करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ा है, किसी क्लास में घुस जाते हैं, डिज़ाइनिंग की क्लास में घुस जाते हैं। 3 इयर्स में भैया ने कहा था ना, जहाँ ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। हाँ वो तो मिस करते हैं, मुझे लगा था यहाँ आएंगे जल्दी काम खत्म हो जाएगा, कॉफ़ी पी के टाइम पास करना, ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, गर्मी भी इतनी है। चलते हैं भाई किसी क्लास में बैठ जाते हैं, ऐसे जाके मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, सर लेट आए थे आज, बस रैंडमली बैठ के यहाँ की हरियाली देखेंगे क्योंकि हमारे वहाँ तो हरियाली है नहीं, जैसे ना ऐसे ना वैसे, ना ऐसे ना वैसे। हाँ और कभी कभी मन करता है भाई यहीं पर ठीक थे, IT तो मिल ही गई थी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते पैकेज में। 1 साल अच्छा, हाँ तेरे को क्या ही फर्क पड़ना, और 4 साल अपना एंजॉय तो करते कम से कम। बताता हूँ होगा क्या, जब मैं बस IP की कट ऑफ चेक कर रहा था रैंक्स के बाद पहली लिस्ट आ गई, मैंने अच्छा ठीक है भाई, मैं तो देख रहा हूँ MAIT USICT और इसका BVP का, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए। मेरे को तो पता नहीं था ये है भी इनका, मेरे को भी नहीं पता था कि USICT ये सब है भी, ये पता ही नहीं था
मेरे को खुद नहीं पता था। मेरे को भाई कहता कि तू अपना आईपी का मेन कैंपस देख। मेरे को मेन कैंपस क्या होता है? अच्छा किसी को भी बोलो ना USIT USICT, किसी को नहीं पता, किसी को बोलो मेन कैंपस उनका। अच्छा द्वारका वाला, सेक्टर 16 वाला। हाँ वही सेक्टर 16 सी वाला ना। हाँ वो सबको पता है। वो देखा है, वो देखा है। अब USAR कैसे समझाएं? अरे कल मेरे साथ हुआ, एक अंकल आए शॉप पे, बेटे कहाँ पढ़ रहे हो? मैं अंकल आईपी यूनिवर्सिटी के ना ईस्ट कैंपस है, घर ही पाता शाद्रा में। कहते कश्मीरी गेट में तो उनका मेन कैंपस है। मैं अंकल यार अंकल की रोज सप्लाई है वहाँ पे। अंकल आपको कितनी सारी बातें समझाऊँ मैं, दो मिनट रुको। मैंने फिर फर्स्ट कट ऑफ के बाद हमने कहा लिस्ट चेक करते हैं चलो कि भाई क्या है। नहीं दिखा, उसमें दिखा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रोबोटिक्स। मैंने कहा ये क्या देखा आ गया। अच्छा मैंने रैंक देखी, मैंने कहा रैंक तो बहुत ज़्यादा है। फिर कोर्सेज देखे यार, कोर्सेज भी ठीक है लेकिन कोर्सेज है क्या। मैंने पूरा रिसर्च किया कि CSE विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिर्फ BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है, पता लगा सेम है, बस वो डेटा साइंस नहीं। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहिए जितनी चाहिए जितनी कम हो जितनी कम उतना अच्छा। स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मजा आ गया, ज़बरदस्ती का नहीं पढ़ना हमें। फिर मैंने दहिया को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा भाई ये देख ये दिख रही है क्या लगता है, साथ में करें ये BMC के बाद। चल देखते हैं। उसके बाद हमने निकाली इस, फिर आई सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, क्योंकि सेकंड तक तो भरा ही नहीं था। थर्ड कट ऑफ में सबसे ऊपर मैंने भरा था AIML, उसके बाद भरा था AIDS। देख रहे हो उल्टा ऑप्शन भरा मैंने बाकी से, पर AIML तो ऊपर होना चाहिए वैसे लॉजिकली, AIDS से तो अच्छा AIML ही लगता है। अरे एक्चुअली ना DS की रिक्वायरमेंट काफ़ी है। अच्छा डेटा इतना ज़्यादा, डेटा साइंस की मैं तेरे को बताता हूँ रिक्वायरमेंट है क्या। डेटा साइंस का चक्कर ये है, अब आप कहीं भी जाओ किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बेचना, तो ये पहले ये देखेंगे ना कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। डेटा सर्वेस कंडक्ट करते हैं तो वो डेटा कलेक्ट करने वाले इंजीनियर्स डेटा एनालिस्ट ही होते हैं, सैलरी उतनी नहीं। मैंने तो ये भरे नहीं थे, मैंने भरे थे, मेरा बेसिकली रिसर्च में था थोड़ा सा कि रिसर्च में जाना, तो इसलिए मैंने भरा लिया। मुझे तो पता नहीं था मैंने डाला हुआ है, तुझे पता है USA, मुझे पता नहीं था मेरे मैंने बाद में डाला, मैंने रेफरेंस में USA सबसे ऊपर इसको रखा, फिर लिस्ट में थर्ड लिस्ट जब आनी थी रैंडम उसमें मेरे को मिल गया AIML, अमन दैया को मिला AR। मैंने कहा चल रुक जा देख, मैंने कहा अपग्रेडेशन में डाल दे आ जाएगा। अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आया, उसके 5 मिनट बाद मेरे को फ़ोन आया उसका। मैंने कहा बुरी खबर ना, बुरी खबर ना। मैंने फ़ोन उठाया, मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन स्पीकर पे था नहीं, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। मैंने कहा इसकी भी इंटेंसिटी होती है इस वर्ड की भी, अगर ये लो टोन में है ना तो लग गए हैं। हाँ ऑब्वियसली, अगर हाई पिच में तो वो मज़ा आ गया है। नहीं लो टोन में तो हैरान है, तो लग गए क्लेश हो गया। इट डिफर्स विद फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, काफ़ी साइंस है इस वर्ड के पीछे भाई। हाँ। ऐसे नहीं यूज़ करते ये वर्ड, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे यहाँ पर, वैसे बाहर घूम रहे। कॉलेज से क्या लगता है किस में? हम तो पढ़ते ना भाई, हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ते एग्जाम, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कैंपस नहीं है। अरे इसकी भी स्टोरी है कैंपस का, पता क्या हुआ, जब भाई को पता चला कि ये कोई ईस्ट कैंपस है USAR करके, उसमें AIML कोर्स है, भाई कहता है इसकी ना फोटो निकाल। अब क्या हुआ, मैं फोटो सर्च करूँ तो मैंने भी देखी, मिली नहीं, कुछ नहीं मिल रहा भाई, फोटो ही नहीं मिल रही। उसके बाद बाय चांस एक गूगल साइट मिली, हाँ, जिसमें एक वीडियो थी वो भी रेंडर की, मुझे मिली सिर्फ रेंडर पिक्चर जो ये लगी हुई है पोस्टरों में। मेरा क्या हुआ था, मैं दे रहा था VIT का पेपर, एक हाँ एक ही पेपर था उसका, पेपर दे रहा हूँ VIT EEE, हाँ VIT EEE पेपर, घर से दे रहा था पेपर, ठीक है पेपर दे रहा हूँ। अब पीछे ना मम्मी बैठी हुई है, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी डॉक्टर के दिमाग में आया कि भाई तू लैपटॉप घुमाओ अपना, पूरा कमरा दिखा। अब मैं मम्मी को इशारे कर रहा हूँ, मम्मी को समझ नहीं आ रही। अब 2-3 सेकंड मुझे लग गए वो घुमाने घुमाने में, मम्मी भाग रही हैं, जो हो रहा थोड़ा शोर मच गया, उस साले ने पेपर ही कैंसिल कर दिया, पेपर ही नहीं दे पाया मैं VIT। अरे एक तो वो कलेश की था ना कि साइड में एक और डिवाइस रखना चाहते थे, वो सब करा हुआ, थर्ड आई थोड़े सब करा हुआ भाई, वो कहता अपनी थर्ड आई थोड़ी इधर उधर प्लेस करो। सर को आना था सीट पर 2 बजे, सर आए 2:30 बजे, 2:45 में अंदर गए, 2:55 में सर ने बाहर भेज दी, भैया आप जाओ आपकी तो मंडे को आएगी फीस। पर उसके बाद थोड़ा सी जुगाड़ के बाद, थोड़ी सी मिनते करने के बाद, 60 किलोमीटर का रास्ता हमारा, क्या कहते हो उसको, कामयाब हुआ भाई, फाइनली भाई जान ने स्लिप दे दी। अनाज तो डीजल पर लग गया था, टाइम भी वेस्ट हो गया था, चलो फीस स्लिप मिल गई फाइनली, मंडे को जाना उस कैंपस में, यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता, दोनों स्लिप लेके घर जा रहे हैं अपनी अपनी। कुछ मैं सोच रहा सर की थोड़ी सी चाट की क्या पता, एक बैग रिटर्न हो जाए।
एंड वी आर बैक ऑन द सेम रोड। आधा व्लॉग तो सड़क ही बन गया मेरे पास, जितनी देर हमें यूनिवर्सिटी में नहीं लगी उतनी देर तो यहाँ लग जानी है। पहले उधर थे तो उधर जाम था, ये सड़क खाली थी, अब यहाँ जा रहे तो यहाँ जाम लग गया, वो खाली है। तो ये कहानी का कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं सेंट्रो देखी, उस सेंट्रो से कहानी याद आई है। चलो कंटिन्यू भाई। कहानी ये है, मेरे घर के आगे ना एक सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी, वो नई गाड़ी लाए थे स्विफ्ट। तो अब उसमें एक लड़की है, मतलब दो लड़कियां हैं उनकी, उसमें छोटी वाली जो लड़की है वो बीटेक है और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही है 41 लाख के पैकेज पे। 41 लाख बहुत बड़ी बात है। तो भाई गाड़ी रुकी, वो घर के नीचे आए, वो बंपर पे हाथ मार रही थी। उसने पापा कहा, पापा एक कुछ काला काला सा आया पीछे, हट नहीं रहा। पापा ने पीछे से आके देखा, पता लगा वो पार्किंग सेंसर है। मेरे को कोई बताओ, ये सरोजनी नगर में भी माइक्रोसॉफ्ट है क्या? या इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से वो बीटेक डीटी उसे करी है उन्होंने। फिर कहते हो ड्यूटी में नहीं गया, भाई मैं इसलिए आईपी में आया हूँ। ये चावला भाई पार्किंग लगा रहे हैं और बस सारा टाइम यहाँ जाम में था, तो क्या दिखाता। अब इसे घर पहुँचाऊँ, यहाँ से स्कूटी उठाऊँगा, घर जाऊँगा, कुछ खाऊँगा, भूख लग रही है बहुत। देखते हैं व्लॉग में आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये वाला एक पार्क है, यहाँ पे एक बंदे को मार के पेड़ से लटका दिया था। दैट समथिंग आई डोंट नो इफ यू वांटेड टू नो नॉट, मैंने बता दिया है। पार्क ये बहुत सुंदर है अंदर से, देखो मस्त फूल फूल गिरे हैं। हाँ भाई थका हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ट्रैफिक जाम इतना। उसके बाद खाना पीना खाया, थोड़ा काम करा एंड देन मैं सो गया। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि मैंने इंस्टाग्राम पे 100 डेज रील चैलेंज कंप्लीट करा है। वहाँ पे बहुत सारी रील्स, बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट वहाँ पे है। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जो फॉलो करो। एंड आई सी गाइस इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जितना भी आपने आज तक सपोर्ट करा है, लव दिया है, जो भी आपने हेल्प करी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस। आगे भी गाड़ियां, पीछे भी गाड़ियां, इधर भी गाड़ियां, और ये बंदा पीछे तो तब से हॉर्न दे रहा है। भाई ऊपर से ले जा, ऊपर से काट के ले जा भाई, चढ़ा दे, चढ़ा दे, ऊपर से ले आ भाई। अरे